ऑलराइट एमजी फैमिली, होप सो यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजी स्लॉटर। सो गाइस, देख सकते हो अभी मेरी खड़ी है पल्सी और मैं आया था कोचिंग पढ़ने। तो कोचिंग तो अभी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सोचा यार एक व्लॉग कर लेता हूँ। तो बाकी मुझे सामान वामान भी लेना था, तो यहाँ से प्रोटीन एक्स का डिब्बा ले जाना था। हाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई प्रोटीन एक्स अब इनटेक करेगा, क्योंकि थोड़ा बॉडी शॉडी बनानी है। व्हीली में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया भाई, नहीं उठ पाती अब, क्या करें, कमज़ोरी आ गई है भाई। वो गलत मतलब मत निकालना, बस ये है कि खान पान अपना सही नहीं है। सो वाइस, बातें कम करते हैं, सीधा अपने मोटो व्लॉग पे चलता हूं। और आज मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, तो मेरे साथ ही भाई कोचिंग पढ़ता है। सो मैं सोचा चलो भाई इसको भी लेके चलते हैं। कैमरा एंगल आपको अच्छा मिल रहा होगा। सो वाइस, अभी चलते हैं अपने लोग। और अभी बता दें, हम लोग हैं यहाँ डीडीपुरम की साइड। और तो सबसे पहले लेंगे जनता वाले के यहाँ से प्रोटीन एक्स का डिब्बा, उसके बाद सीधे चलेंगे अपने लोग। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना भाई। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यार, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है यार, क्या बताएं यार। आपको एक मैटर दिखा देते हैं, ये देख सकते हो गाइस यार, यहाँ पे आग लग गई है। और यहाँ पे हमारे मतलब जो क्या बताऊँ, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जब 12th का फेयरवेल हुआ था तो आफ्टर पार्टी यहीं पर करी गई। पता नहीं क्या रीज़न्स थे इसमें आग लगने को, पर जो भी हुआ भाई बुरा हुआ, काफ़ी लॉस हुआ है सुनने में आया था। और सो अभी गाइस मेन रोड पे नहीं जाएंगे, अपने इधरी साइड चलेंगे, क्योंकि हम लोग को इसी साइड जाना है। और यहीं से ये गली पड़ेगी, तो काफ़ी आसान रहेगा जनता मेडिकल पहुंचना, क्योंकि सामने की साइड तो ट्रैफिक मिलता बहुत ज़्यादा। छोटा सा पप्पी, और जो है गाड़ी मिस मार रही है गाइस, शायद से पेट्रोल की मिसिंग हो रही होगी, तो पेट्रोल भी पड़वा लेंगे भाई। भैया प्रोटीन एक्स का डिब्बा चाहिए था, प्रोटीन एक्स का डिब्बा देना, वनीला गाइस दिखा दे रहे हैं हम लोग ने। हाँ, ये लिया प्रोटीन एक्स का बॉक्स, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप लोग को। और ये तुम्हारा भाई पिएगा, क्योंकि तुम्हारे भाई को आ गई है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और मैंने पहले भी यूज़ करा, काफ़ी बढ़िया है। सो अब भाई थोड़ा देख लेते हैं, खाने पीने का कुछ मशीन है, बढ़िया चीज़ अगर मिलती है तो कुछ खाते हैं भाई। आप बर्फ़ का गोला खा रहे हैं आज? कोई ना, आज बर्फ़ का गोला ट्राई करने वाले हैं। आज मोटो ब्लॉग के साथ फूड ब्लॉगिंग भी मिलने वाली है आपको पूरी पूरी। तो गाइस अपनी पल्सी भी आ चुकी है, और पल्सी कहीं पे खड़ी रखेंगे लो। बता ना, बता तू, बता भाई कौन सा बर्फ गोला है? छोटा हिंदी आइसक्रीम का, जयपुर से बर्फ गोला कौन सा? बर्फ गोले में कौन कौन सा? खट्टे में खाना, मीठे में? खट्टा मीठा, मैं मीठे में खाऊंगा। मीठा ही गुलाब, चॉकलेट, आज चॉकलेट ट्राई करके देख। तो अभी गाइस चॉकलेट ट्राई करके देखेंगे। तो हाँ भैया की लोकेशन बता दें, आज फूड ब्लॉग भी होने वाला है साथ ही साथ, दीपक बर्फ गोला। तो ये राजेंद्र नगर आता है, आप देख सकते हो यहीं पे राजेंद्र नगर। तो बाकी आप लोग देख सकते हो, मेकिंग दिखा देते भाई की, गर्मी का मौसम आ गया है। तो मेकिंग देख सकते हो आप लोग। चॉकलेट रबड़ी है सबसे बड़ा डिवाइन में चलता है जी। ले ले भाई, नहीं
कोचिंग के बाद और धूप में ये गोला खाने का अलग ही मजा है यार। फोन लगा रखा तो यार ऐसी रिएक्शन मिलेगा वैसे भी। तीन किलोमीटर और है क्या घर? बस ये है कि दो तीन किलोमीटर बाद तो पड़ ही जाएगा पेट्रोल पंप, क्योंकि क्रैकर्स मतलब क्या बोलूँ यार। यह है कि आप क्या सोचते हैं यार, थोड़ा मैं भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे कि पेट्रोल पड़वाना है और वगैरह वगैरह। आप लोग को पता है अगर कभी भी आप लोग का पेट्रोल कम हो और गाड़ी आपकी मिसिंग मारने लगे तो गाइस करना कुछ नहीं है भाई, फुल गियर्स पे भाई गाड़ी को स्लो लेके चलना है। जैसे अगर आपकी गाड़ी में पांच गियर्स है तो पांचों के पांचों गियर्स लगा देना और आराम आराम से भाई आरपीएम तीन से नीचे ही रखना या चार, तीन या तीन से नीचे इतनी आरपीएम पे चलना। उसके बाद भाई आपकी गाड़ी इतनी हो जाएगी कि तब भी गाड़ी अच्छा खासे किलोमीटर कवर कर सकती है। बाकी जैसे तो पेट्रोल पम्प आ ही चुका है, सो यही एक ट्रिक होती है कि अपनी गाड़ी का तेल बचाने की, और ऐसे ही आपका जो एवरेज है वो अच्छा खासा निकल पाता है।